हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। आज मैं आप लोगों को CSMA/CA बताऊंगी, इसका फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसके पहले हमने ये बात की थी कि CSMA/CD को वायर्ड नेटवर्क में यूज़ करते हैं, ठीक है, वायर्ड मीडियम में, और जब CSMA/CA को हम वायरलेस मीडियम में यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों है, इसके रीजंस बताए थे, कुछ प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था, वो सब आप प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा और मैं उसे डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे भी ऐड कर दूँगी। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं विथ फंक्शन कि किस सीक्वेंस में सारी एक्टिविटीज़ CSMA/CA परफॉर्म करेगा। तो आपको ये तो बेसिकली पता ही रहना चाहिए कि इट इज़ यूज इन वायरलेस नेटवर्क, नॉट इन वायर्ड। ठीक है, CSMA/CA वायरलेस में, CSMA/CD जो है वो वायर्ड नेटवर्क में यूज़ होता है। ठीक है, अब पहले एक सिंपल से डायग्राम से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये काम करेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर ये हमारे पास, मैं आपको सिनेरियो दिखाती हूँ कि ये मेरे पास ये शेयर्ड चैनल है, इस पर कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसे ही टाइम पे जब कॉमन चैनल पे डिवाइसेस या टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही टाइम पे हमें एक्सेस कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे मतलब क्योंकि शेयर्ड चैनल है, डेटा एक ही चैनल से ट्रांसफ़र होना है, कॉलिजन के चांसेस हैं, तो इसीलिए हम एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं ताकि कॉलिजन कम से कम हो। ठीक है, तो उसी की एक टेक्निक है CSMA/CA। कहाँ काम करती है? डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए ये जो टर्मिनल A है, ठीक है, इसे कोई डेटा इस चैनल पे भेजना है। ठीक, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, चैनल को कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा। ठीक है, तो अगर ये बिजी है, देखिए ये, देखिए हमारा चैनल डेटा को सेंड करना चाहता है। ठीक है, और इसने देखा कि अभी चैनल बिजी है, तो ये कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा। ठीक है, ये सेंस करता रहेगा और मतलब एक तरह से वेट भी कर रहा है और साथ साथ सेंस भी कर रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पूरे मीडियम को नहीं सेंस कर सकता। ये टर्मिनल जिस पॉइंट पे इस शेयर्ड चैनल से कनेक्टेड है, उस पॉइंट को सेंस कर रहा है कि क्या यहाँ से कोई सिग्नल या डेटा ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है। अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो सेंस करता रहेगा जब तक कि चैनल आइडल ना हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही देखिए मान लीजिए इस पॉइंट पे चैनल को पता चला कि आप ये सॉरी जो टर्मिनल है उसे पता चला कि अब चैनल आइडल हो चुका है। तो चैनल के आइडल होने के बाद ये एक IFS टाइम, इंटरफ्रेम स्पेस कहते हैं, ठीक है, इस टाइम के लिए वेट करता है। मतलब IFS टाइम, इसको DIFS भी कहते हैं। ठीक है, DIFS टाइम के लिए वेट करता है, वेयर D स्टैंड्स फॉर DCF और इसके बाद IFS तो है ही। अब DCF का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं हम? इसे यूज़ करते हैं वायरलेस नेटवर्क में कॉलिजन अवॉइडेंस के लिए। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है वायरलेस नेटवर्क में यूज़ करने के लिए। तो आप इसे IFS डायरेक्टली लिख दीजिए, या सही अगर आप लिखना चाहते हैं तो इट शुड बी DIFS वेयर D स्टैंड्स फॉर DCF। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, इट इज़ अ टेक्निक टू अवॉइड द कॉलिजन, राइट, इन वायरलेस नेटवर्क। इसके बाद DIFS या IFS टाइम वेट करने के बाद, इसके बाद हम कुछ फिक्स टाइम स्लॉट्स के लिए भी वेट करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होगा इसे मैं बताती हूँ। हम एक फिक्स टाइम स्लॉट के लिए भी वेट करते हैं, और जिसे हम वो जो टाइम है उसे हम कंटेंशन विंडो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद कंटेंशन विंडो इतना वेट करने के बाद जो आपका ये स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट्स जो भी आपके आ रहे हैं, कंप्यूटेशन एक करते हैं उसके बेसिस पे, वो हम कंटेंशन विंडो बना रहे हैं, और उसके बाद हम सेंड करते हैं फ्रेम, और फिर एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ CSMA। चलिए देखिए, सबसे पहले हम CSMA का जो बेसिक स्टेप्स है वो बताते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से जो मैंने आपको बताया था RTS और CTS, क्लियर टू सेंड एंड रिक्वेस्ट टू सेंड, इसमें ऐड करके दिखाऊंगी। ठीक है, कैसे ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि चैनल ने स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब जो टर्मिनल जो भी था उसने स्टार्ट किया, ठीक, के इज़ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये अटेम्प्ट को किस पे सेट करके रख रहा है? 0 पे। ठीक है, हर बार ये बढ़ेगा, और उसके बाद देख रहा है, लगातार ये सेंस कर रहा है कि चैनल आइडल है या नहीं, चैनल आइडल है नहीं, ये सेंस करता रहेगा। ठीक है, एंड अगर इसे चैनल आइडल मिलता है तो ये क्या करेगा? IFS टाइम के लिए वेट करेगा, DIFS के लिए, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, DCF के लिए, DCF IFS, इसके लिए वेट करेगा। अच्छा, अगर इस ड्यूरेशन के बाद भी चैनल आपको आइडल मिलेगा, उसके लिए उसके बाद आप टू के पावर के माइनस वन, 0 से लेके 2 के पावर के माइनस वन स्लॉट्स का एक कंटेंशन विंडो बनाएंगे इसके बीच में, ठीक है। अच्छा, जैसे k की वैल्यू भी क्या है, 0। मान लीजिए इनिशियली k की वैल्यू 0 है, तो अगर हम कंप्यूटेशन करते हैं तो 2 की पावर 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, ठीक है। तो जब सबसे पहली बार जो कंटेंशन विंडो है उसको कोई वेट नहीं करना है और वो तुरंत ही डेटा को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे R क्या बता रहा था, R इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो यहाँ पे क्योंकि K इज इक्वल टू 0 है तो 0 से 0 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो मतलब R मतलब 0, बिल्कुल किसी स्लॉट के लिए उसे वेट नहीं करना है, डायरेक्ट फ्रेम को सेंड करना है, ठीक है। अगर K की वैल्यू मान लीजिए हम कहते हैं 2 है, ठीक है, इफ K इज इक्वल टू 2 तो आप कंप्यूट कीजिए कि 2 की पावर K माइनस 1 मीन्स 2 पावर 2 माइनस 1 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसका मतलब R शुड लाई बिटवीन 0 एंड 3, 0 और 3 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर आप सेलेक्ट करिए। मान लीजिए हमने 3 ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो ये जो आपने प्रीवियस स्लाइड में कंटेंशन विंडो देखा था, मैं दिखाती हूँ, ये जो कंटेंशन विंडो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे कई सारे स्लॉट हैं। अगर K की वैल्यू मतलब कैपिटल R की वैल्यू 3 है तो कंटेंशन विंडो में सिर्फ 3 स्लॉट्स होंगे, 1, 2 एंड 3, ये 3 स्लॉट्स तक वेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 वैल्यू थी, R की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 स्लॉट तक वेट करने के बाद फ्रेम सेंड होगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि मान लीजिए आप कंटेंशन विंडो पे हैं, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं और उस टाइम पे सेंस हुआ कि किसी चैनल ने तब तक डेटा ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। मतलब ये जो कंटेंशन विंडो, मान लीजिए एक टाइम है कि आपने यहाँ पे जो R की वैल्यू थी कैपिटल R आपने 5 सेलेक्ट करी थी और इसी टाइम पे किसी ने, जब आप 3rd वाले पे थे, इस 3rd स्लॉट पे थे, तभी किसी दूसरे चैनल ने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया और अब आपका चैनल आइडल हो गया। उस टाइम पे आपका जो टाइमर है, ये जो कंटेंशन विंडो के लिए टाइमर चल रहा है, आप इसको पॉज कर देंगे, ठीक है। पॉज करने के बाद जैसे ही वो ट्रांसमिशन एंड होगा, जैसे ही आपका चैनल फिर से आइडल होगा, आप इसको फिर से रिज्यूम कर दें, ठीक है। ये मैं आपको मतलब बता दे रही हूँ, ठीक है। मतलब फ्लो डायग्राम में एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, पर आपको ये करना है। आपने IFS टाइम वेट किया, अगर उसके बाद आइडल है तो आप कंटेंशन विंडो के लिए अगर वेट कर रहे थे, उसके बीच में कोई ट्रांसमिशन हुआ, तब आप क्या करेंगे, आप उस जो आपने R की वैल्यू ली है, मतलब जहाँ पे भी कंटेंशन विंडो में आप होंगे वहीं पे पॉज कर देंगे। उसके बाद जब आपका ट्रांसमिशन जो था वो ओवर हो गया तो फिर से आप उसको कंटिन्यू कर लेंगे और उसके बाद सेंड करेंगे फ्रेम को, ठीक। अच्छा, R स्लॉट पे वेट करने के बाद आप फ्रेम को सेंड करेंगे, ठीक है, और टाइम आउट टाइम के लिए वेट करेंगे कि मतलब हमने फ्रेम सेंड किया है और हमने जो टाइम आउट टाइम मतलब वेट टाइम आउट की कितना देर हमें एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करना है, ठीक है, उसका भी एक टाइम है। तो अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो इसका मतलब ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हुआ, और अगर नहीं मिला तो K की वैल्यू हम बढ़ा देंगे कि मतलब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो अगर ये 0 था तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे हमने 15 फिक्स करके रखा हुआ है, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट अगर होगा तो हम इसे अबॉर्ट कर देंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर K की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, तो चैनल आइडल। अब K की वैल्यू 1 के लिए 0 से 2 की पावर 1 माइनस 1, तो 0 से 1 के बीच में आप नंबर ऑफ स्लॉट्स डिसाइड करके कंटेंशन विंडो फॉर्म करेंगे। इसी तरह ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। K की वैल्यू हमने मैक्सिमम 15 कर दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ जो मैंने बताया था कि CSMA नेटवर्क में हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके बेसिस पे हमने प्रपोज किया था कि CSMA/CA क्या यूज़ करता है, CTS और RTS कॉलिजन अवॉइडेंस के लिए। पहले मैंने आसान तरीका बता दिया। अब देखिए DIFS तक वेट करने के बाद, ठीक है, DIFS तक वेट करने के बाद और उसके बाद जो आपका कंटेंशन विंडो है उसको भी क्रॉस करने के बाद, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए DIFS और कंटेंशन विंडो को क्रॉस करने के बाद जो आपका ये जो क्या कहते हैं सेंड RTS भेजते हैं, ठीक है। ये अप्रोच क्या है कि आप RTS सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, और उसके बाद टाइमर सेट कर देते हैं। RTS सिग्नल की उसके एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ या नहीं उसके लिए आप टाइमर सेट करेंगे, ठीक है। ये DIFS आपको मैंने बताया ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, DCF, ठीक है, D का फुल फॉर्म। अब उसके बाद आप वेट करेंगे CTS के लिए, ठीक। अगर आपको CTS मिलता है तो उसके बाद आप फिर से एक इंटर फ्रेम स्पेस के लिए मतलब IFS टाइम के लिए वेट करेंगे, ठीक है। तो इंटर फ्रेम स्पेस दैट इज, तो उसके बाद आप अगर आपका ये क्रॉस हो जाता है, SIFS का मतलब है शॉर्ट इंटर फ्रेम स्पेस, ठीक है। अब अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तब आप सेंड करेंगे फ्रेम को और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे, और अगर नहीं तो आप फिर से मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब CTS अगर आपको नहीं रिसीव हुआ, CTS टाइम आउट हो गया, नहीं रिसीव हुआ, तो आप बैक ऑफ टाइम को इंक्रीज़ करेंगे। बैक ऑफ एक आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ अटैम्प्ट है, आप इसको इंक्रीज़ करेंगे, लिमिट को चेक करेंगे, और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे परसिस्टेंस स्ट्रेटजी अपना अप्लाई करेंगे। उसके बाद मतलब पूरा प्रोसेस वही है। आप यहाँ पे इसको ऐसे देखिए, प्रोसेस ये हमने यहाँ तक हम आ गए, ठीक है, 8 स्लॉट्स तक वेट कर लिया। उसके बाद हम फ्रेम को सेंड करने के पहले यहाँ पे भेजेंगे क्या, रिक्वेस्ट टू सेंड RTS, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट का। अगर हमें CTS मिल जाता है तो हम शॉर्ट IFS के लिए वेट करेंगे। मतलब RTS भेजा, ठीक है, CTS रिसीव हुआ अगर, तो हम शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस का के लिए फिर से वेट करेंगे, शॉर्ट IFS के लिए फिर से वेट करेंगे। उसके बाद हम डेटा को सेंड करेंगे, ठीक है। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर से K की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे एंड सो, ठीक है। और अगर हमें CTS नहीं मिलता है उस केस में भी हम यहाँ पे आएंगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे और फिर से हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ CSMA/CA। तो अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। कुछ सजेशंस है तो आप ज़रूर पोस्ट करिएगा कमेंट करके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।